Good morning, church. We are so glad to connect with you through this online service. हम बहुत आनंदित हैं कि इस ऑनलाइन सभा के दौरान हम आपसे जुड़ पाएं. We are continually praying for you and your families. हम लगातार आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. We all may be going through different challenges or different situations in our lives. हम सब अपने जीवन में अलग-अलग चुनौतियों से होकर गुजर रहे होंगे. But let's believe and have our trust in God that God is still enthroned and everything is still in control. लेकिन हो कि हम ये विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर हर चीज नियंत्रण में रखता है. And for this morning we will turn our Bibles to Matthew chapter 13 verse number 32. आज की सुबह हम मत्ती 13 और उसके 32वें वचन से पढ़ेंगे. Jesus is talking about the mustard seeds. यहां पे यीशु राई के दाने के बारे में बात कर रहे हैं. And it says, और ये ऐसे कहते हैं, although the smallest of all the seeds, it eventually grows into the greatest of garden plants, becoming a tree for birds to come and build their nests in its branches. राई का बीज तो सब बीजों से छोटा होता है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं. This morning I want to speak on the subject of potential. आज की सुबह मैं क्षमता के विषय में बात करूंगा. The Webster's dictionary defines potential as Webster dictionary में क्षमता को ऐसे परिभाषित किया गया है. Something that can develop or become actual. कोई ऐसी चीज जो विकसित होकर वास्तविक रूप धारण करे. Potential is not what you have done but what you can do. क्षमता वो नहीं है जो आप कर चुके हैं, लेकिन वो है जो आप कर सकते हैं. Potential is not what is but what could be. क्षमता वो नहीं है जो अभी है, लेकिन जो हो सकता है. Potential is a dormant ability. क्षमता छिपी हुई संभावनाएं हैं. It is the untapped strength. ये ऐसी सामर्थ्य है जिसको खोजा नहीं गया. It's the hidden talent. वो छुपे हुए कौशल हैं. We human beings have more power. हम इंसानों के पास काफी सामर्थ है. मोर स्ट्रेंथ, ज्यादा ताकत है. मोर कैपेसिटी, इतनी क्षमता है. देन वी विल एवर यूज इन अवर लाइफ टाइम. हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम अपने जीवन काल में इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते. वी हैव इनर रिसोर्सेज, एनॉर्मस पॉसिबिलिटीज एंड नेचुरल गिफ्ट्स टू अचीव ग्रेटनेस विद इन अवर ओन लाइव्स. हमारे पास अंदरूनी स्रोत है, बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत सारे ऐसे कौशल हैं कि हम बड़ी बड़ी चीजों को हासिल कर सकते. Somebody said it like this. किसी ने कुछ इस प्रकार कहा. The potential of the average person is कि एक आम इंसान की जो क्षमता है is like a huge ocean unsailed. वो एक ऐसे महासागर के समान है जिसकी खोज नहीं हुई. It's like a new continent unexplored. वो एक ऐसे महादेश के समान है जिसकी खोज नहीं की गई. It's a world of possibilities waiting to be released and channeled towards some great good. ये ऐसी संभावनाएं हैं जो इंतजार कर रही हैं कि सही उनको सही दिशा मिले और वो बड़े काम को करें. To understand how much potential you possess, ये समझने के लिए कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, you must understand the source from which you came from. आपको अपने स्रोत जिससे आप आए हैं उसको जानना जरूरी है. You and I possess the qualities of our source. क्योंकि हमारे अंदर हमारे स्रोत की चरित्र और गुण हैं. And we are capable of manifesting those qualities through our lives. और हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम उन गुणों का प्रगटीकरण अपने जीवन में करें. Our potential relates to our purpose and God's will in our life. हमारी जो क्षमता है वो परमेश्वर का हमारे जीवन में जो इच्छा है और हमारे लिए जो उद्देश्य है उसके हिसाब से है. Just like our purpose has to be discovered, ठीक वैसे ही जैसे हमारे उद्देश्य को हमें खोजना है, our potential needs to be activated. बिल्कुल उसी तरह हमारी क्षमता सक्रिय होना जरूरी है. I want to share three thoughts, three points on the subject of potential. इस क्षमता के विषय में मैं तीन बिंदुओं को बांटना चाहूंगा. The first point is, पहला बिंदु है uniqueness of potential. क्षमता की विशिष्टता. God is into creativity and uniqueness. हमारा परमेश्वर सृजनात्मक और विशिष्ट तरीके से काम करने वाला परमेश्वर है. Just think about it. इसके बारे में सोचें. Every snowflake is different. हर एक बर्फ के कण अलग होते हैं. No two people have the same fingerprints. किसी के भी दो व्यक्ति के उंगलियों के छाप सेम नहीं होते. Each of us have a unique DNA. हम सबके पास एक विशिष्ट DNA है. He created a unique you. उसने विशिष्ट आपको रचा है. And that is only you. और वो सिर्फ आप हैं. There will be never anyone else who will be exactly like you. कोई भी ऐसा इस दुनिया में पैदा नहीं होगा जो सटीक आपके जैसा होगा. There is no one in this world whom God has prepared to do what only you can do. इस दुनिया में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उस कार्य को उस तरीके से कर पाए जो आप करने के लिए बनाए हुए हैं. On the earth,
इस धरती पर वैल्यू इज ऑफन डिटरमाइंड बाय हाउ रेडिली समथिंग इज अवेलेबल। किसी भी चीज का मूल्य इस चीज से तय किया जाता है कि वो कितनी आसानी से उपलब्ध है और हाउ स्कैर्स समथिंग इज और उसकी कितनी कमी है। गोल्ड एंड डायमंड आर वैल्यूएबल बिकॉज़ दे आर रेयर। हीरा और सोना बहुमूल्य है क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। Likewise, since there is no one else like you in this planet Earth, बिल्कुल उसी तरह आपके जैसा कोई दूसरा इस धरती पर नहीं है। You are unique and irreplaceable. इसलिए आप विशिष्ट और बेबदल हैं। You are of great value to God. आप बहुत बहुमूल्य हैं परमेश्वर के लिए। I am always amazed when I think of God's creation. मैं हमेशा अचंभित होता हूँ परमेश्वर के सृजनात्मक शक्ति को देखकर। This world is filled with varieties. And diversities. इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं। There are different kinds of colors, taste, sound, food, scenery, animals and ideas. बहुत सारे तरीके के रंग, स्वाद, खाना, दृश्य, जानवर, बहुत सारी चीजें हैं। And God has created a variety of people with variety of potential in them. बिल्कुल उसी तरह परमेश्वर ने भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को बनाया है जिनके अंदर बहुत अलग अलग तरीके की क्षमताएं हैं। There are no two of us alike. कोई भी हम में से एक दूसरे से मिलता नहीं है। We are each special. हम विशिष्ट हैं। God forms each one of us lovingly and intentionally. हम सबको परमेश्वर इरादतन और बहुत प्रेम पूर्वक बनाते हैं। We are not just an accident of nature. हम प्रकृति की किसी घटना की पदार्थ नहीं है। There is purpose, planning and designing behind our existence in this world. हम इस दुनिया में है उसके पीछे एक योजना है, एक उद्देश्य है। David talks about the unique role that God plays in bringing us into existence. दाऊद उस परमेश्वर की उस भूमिका की बात करता है जो वो निभाते हैं हमें इस दुनिया में लाने के लिए। And we read that in Psalms chapter 139. और हम भजन संगीता 129 में इसको पढ़ते हैं। And I will be reading from verse number 13. और मैं 13वें वचन से पढ़ूंगा। And it says, You formed my innermost being, shaping my delicate inside, my inmost being, and my intricate outside, and wove them all together in my mother's womb. तूने ही मेरे भीतरी अंगों को बनाया और मेरे बाहर के अंगों को भी बनाया और उन सबको एक साथ बुना मेरी माता की गर्भ में। I thank you, God, for making me so mysteriously complex. Everything you do is marvelously breathtaking. It simply amazes me to think about you and how thoroughly you know me, Lord. मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे रहस्यमय जटिल तरीके से बनाया है। हर एक चीज जो तू करता है वो मुझे आश्चर्यचकित कर देता है। You even formed every bone in my body. तूने मेरे अंग, मेरे शरीर के हर एक हड्डियों को भी बनाया है। When you created me in the secret place, carefully, skillfully shaping me from nothing to something. जब तूने मुझे उस गुप्त स्थान में बनाया और बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरी रचना की, मुझे कुछ नहीं से कुछ बनाया। You saw who you created me to be before I became me. जिस चीज के लिए तूने मेरी रचना की मैं वो बनूं, उससे पहले ही तूने मुझे उस रूप में देखा है। Before I would have ever seen the light of day. मैं दिन की रोशनी को देखूं उससे पहले। The number of days you planned for me were already recorded in your book. उससे पहले ही तूने मेरे हर दिन की योजना अपने पुस्तक में लिख ली है। God was intentionally involved in making us. परमेश्वर इरादतन तरीके से हमें बनाने में सम्मिलित थे। He made our inmost being. उसने हमें अंदर से बनाया। He made our personalities, our will, our thought pattern, our will, everything He created. उसने हमारे व्यक्तित्व, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छा, सबको उसने बनाया। Our likes, our dislikes, our strengths, our weaknesses, the inmost part of who we are was created, designed by God. हमारा पसंद, हमारा नापसंद, हमारी कमजोरियां, हमारी ताकत, सब कुछ उन्होंने बनाया। God, the Bible uses the word like knitting together, bringing it together, joining the bones together. To show how much God cared in designing us or in creating us. बाइबल में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि परमेश्वर ने हमें बुना, एक साथ जोड़ा, वो ये दिखाता है कि परमेश्वर कितने अच्छी तरीके से सम्मिलित थे हमें बनाने में। The psalmist also indicates that God created us with a purpose and destiny.
भजनकार ये भी बताता है कि परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के तहत बनाया है। Even determining the number of days we would live in this earth। बल्कि परमेश्वर को ये भी पता है कि इस धरती पर हम कितने दिन जिएंगे। That's why in verse number 16, इसीलिए 16वें वचन में, He says, "You saw who you created me to be before I became me." जिस चीज के लिए तूने मुझे बनाया है, वो तूने मेरे अंदर पहले ही देख लिया, इससे पहले कि मैं वो बनूं। You saw who you created me to be। तूने देखा कि तूने मुझे किस लिए बनाया है। Before I became me, इससे पहले कि मैं वो बनूं। Maybe nobody else sees you like God sees। हो सकता है कोई और आपको उस तरीके से ना देखे जैसे परमेश्वर आपको देखते हैं। Maybe nobody else sees you what is in you। हो सकता है कोई और ये ना पहचान पाए कि आपके अंदर क्या है। Maybe nobody else sees what is in you। हो सकता है और कोई ये ना देख पाए कि आपके अंदर क्या है। But your creator sees what he has created you to be। लेकिन आपका रचने वाला जानता है कि आपने उसकी आपकी रचना उसने आपकी रचना क्यों की है। There is a uniqueness to your potential। आपकी क्षमता में विशिष्टता है। Maybe there are thousands of writers, painters, dancers, singers, there may be thousands of them। हो सकता है बहुत सारे चित्रकार, नृत्यज्ञ, गाने वाले बहुत सारे हो सकते हैं। There may be thousands of managers and thousands of cook and there may be thousands of people doing what you are doing। बहुत सारे लोग अच्छा खाना बनाते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे कार्य को करते होंगे जो आप कर रहे हैं। But still you are unique in your potential। लेकिन फिर भी आप अपनी क्षमता में विशिष्ट हैं। Take out your brush and start painting। अपने ब्रश को लीजिए और चित्र बनाना शुरू करिए। Take out your pen and start writing। अपने कलम को लीजिए और लिखना शुरू करिए। Because you are unique in your potential। क्योंकि आप विशिष्ट हैं अपनी क्षमता में। There may be many doing the same business that you are doing। जो व्यापार आप कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग वो वही व्यापार कर रहे हैं। But there is a uniqueness in what you do because God had placed that uniqueness in your hearts। लेकिन जो आप करते हैं उसमें एक विशिष्टता है क्योंकि उस विशिष्टता को परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है। And that's how the manufacturer has designed us। उसी तरह उत्पादक ने आपकी संरचना की है। Don't compete, don't compare with each one another। किसी से अपनी तुलना या प्रतिस्पर्धा ना करें। Don't strive to be something or somebody else। किसी और की तरह बनने की कोशिश ना करें। That you are not made to be। जिसके लिए आपकी रचना ही नहीं हुई। Apple tree never competes or compares with a mango tree। एक सेब का पेड़ कभी भी एक आम के पेड़ के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता। Apple tree never says, "I wish I could give some mangoes." सेब का पेड़ ये नहीं बोलता कि हो काश मैं कुछ आम उगा सकता। The whole spoken creation knows its purpose and they know that they have the potential to fulfill that purpose। परमेश्वर के शब्दों द्वारा रचा हुआ सारी सृष्टि जानती है कि उनका उद्देश्य क्या है और वो ये भी जानती है कि उनके अंदर क्षमता है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। But many times we the handmade creation of God fail to understand or accept it। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो परमेश्वर के हाथों की रचना है भूल जाते हैं इस चीज को जानने में। That's why we the handmade creation of God are comparing and competing with other handmade creation of God। इसलिए हम परमेश्वर के हाथों की रचना एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और तुलना करते हैं। And by doing that we are dishonoring God, saying God you have not done a good job। और ये करते हुए हमें ये याद रखना है कि हम परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर से हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर आपने अच्छा काम नहीं किया। We are telling God, you know, you have made me in this way but this is not enough, this is not good enough, your work is not fine। आप परमेश्वर से ये कह रहे हैं कि आपने हां मुझे ऐसे बनाया तो है लेकिन इतना अच्छा नहीं बनाया, आपका काम अच्छा नहीं है। How dare we say that? ऐसे बोलने की हिम्मत भी हम कैसे कर सकते हैं? He has designed us, he has made us with a potential in us। उसने हमारी रचना एक क्षमता हम में डालते हुए की है। And that's what the psalmist is saying। और यही भजनकार यहां पर कहता है। That God has put the purpose and potential in me। कि परमेश्वर ने मेरे अंदर क्षमता और उद्देश्य डाला है। And as I live in this world, और जैसे मैं इस दुनिया में रहता हूँ, I am unraveling the potential to become what you had for me in your mind। मैं धीरे-धीरे उस क्षमता की खोज कर रही हूँ, जो मैं धीरे-धीरे उस क्षमता का खोज कर रहा हूँ जो आपने मेरे लिए बनाया है और मेरे मन में डाला है। Jeremiah chapter 1, Jeremiah पहला अध्याय, verse number 4, चौथा वचन। Then the word of the Lord came to me saying, प्रभु का यह संदेश मुझे मिला, before I formed you in the womb I knew you। उसने मुझसे कहा जब मैंने माँ के पेट में तुझे गढ़ा उससे पहले मैंने तुझे चुन लिया है। Before you were born I sanctified you। तेरे जन्म लेने से पूर्व ही मैंने नवी कार्य के लिए तेरा अभिषेक किया है। I ordained you a prophet to the nations। मैंने नवी कार्य के लिए तेरा अभिषेक किया है। Then said I,
फिर मैंने कहा, This is the reply of Jeremiah. ये जेरेमिया का उत्तर है। Our Lord God, behold, I cannot speak, for I am a youth. प्रभु मेरे स्वामी, देख अभी तो मैं बोल नहीं सकता। But the Lord said to me, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, Do not say I am a youth. मत कह कि तू किशोर है। For you shall go to all to whom I send you. मैं जिस व्यक्ति के पास तुझको भेजूंगा तो उसके पास जाएगा। And whatever I command you, you shall speak. और जो मैं तुझे बोलने के लिए कहूंगा तू वो बोलेगा। Jeremiah, you were in My thought before you came into your mother's womb. Jeremiah, तू अपने माँ के घर में आने से पहले मेरे विचारों में था। You were first in my thought even before you came into your mother's womb. तू पहले मेरे विचारों में था इससे पहले कि तू अपनी माँ के गर्भ में आए। I created you inside your mother's womb. मैंने तेरे माँ के गर्भ में तुझे रचा I है। I had a plan and purpose for your life. मेरे पास तेरे जीवन के लिए उद्देश्य और योजना है। And Jeremiah says, Lord, I'm just a child, I'm just a baby, I'm just a boy, I cannot do that. Jeremiah कहता है, मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। And God tells him, और परमेश्वर उससे कहते हैं, I had put the potential कि in मैंने you. तेरे अंदर क्षमता डाली you है। You have the potential in you. तेरे अंदर क्षमता है। To go where I send you. वहाँ जाने के लिए जहाँ मैं तुझे भेजूँ। To speak what I tell you to speak. जो मैं तुझे बोलने को कहता हूँ वो बोलने so के लिए। So don't tell me that you cannot do. इसलिए तू मुझे ये मत कह कि तू कर नहीं Because सकता। Because I, the God, the Creator of you, knows that I have given you that potential. क्योंकि मैं तेरा सृजनहार, तेरा बनाने वाला परमेश्वर जानता हूँ कि तू वो कर सकता है। Jeremiah, you have to speak to the kings and kingdoms. जेरेमिया, तुझे राजा और राज्यों से बात करनी है। That's your purpose. Don't worry about that. वही तेरा उद्देश्य है। So don't worry about it, Jeremiah. इसलिए उसके बारे में चिंता मत कर। I don't make anything without a purpose and potential in it. मैं बिना उद्देश्य के कोई चीज नहीं बनाता। When I put purpose on my creation. मैं अपने सृष्टि में एक उद्देश्य डालता हूँ। When I put purpose on my creation. जब मैं अपने सृष्टि में उद्देश्य डालता हूँ। I give the potential to achieve it. मैं उसे पूरा करने की क्षमता भी देता हूँ। It doesn't matter where we are at this moment. इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम इस समय पर कहाँ हैं। There is something very unique about you. हमारे बारे में कुछ तो विशिष्ट है। God knew you so personally even before we came in our mother's womb. परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं इससे पहले कि आप अपने माँ के गर्भ में आएं। And He designed us. और उसने हमारी संरचना की है। We are not made in some factory. We are not mass produced in some factories. हम किसी कारखाने में सामूहिक रूप से पैदा नहीं हुए। लेकिन हम परमेश्वर की हाथों की रचना है। I'll come to my second point. मैं अपने दूसरे बिंदु पे आऊंगा। The first point is there is uniqueness to your potential. पहला बिंदु है आपकी क्षमता विशिष्ट है। And the second point is potential is realized through process. और दूसरा बिंदु यह है प्रक्रिया क्षमता को सक्रिय करता है। It is one thing to have potential. एक चीज है कि आपके अंदर क्षमता है। As somebody said it like this. किसी ने कुछ इस प्रकार कहा। Graveyards are filled with unrealized potential. कब्र असक्रिय क्षमताओं से भरा हुआ है। Potential doesn't look like potential to begin with. क्षमता शुरुआत में क्षमता की तरह लगता ही नहीं। Son of man, can these bones live? मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां जिएंगी? Do you see the potential in them to live? क्या तुम इनमें क्षमता देखते हो कि वो जी उठेंगे? And prophet says, well, these are dry bones. I don't know. भविष्यद्वक्ता कहता कि अरे ये तो सूखी हड्डियां हैं, मुझे नहीं पता। These are dry bones. I don't know God. ये सूखी हड्डियां हैं, मुझे नहीं पता परमेश्वर। Does this small seed of mustard, this small mustard seed, bring forth any good? क्या ये छोटा सा राई का दाना कुछ अच्छा कर सकता है? Doesn't look like that. It's so small. ऐसा लगता नहीं, ये तो बहुत छोटा है। It is one thing to have potential. एक चीज है क्षमता का होना। But we need to have the process to realize or to activate the potential that God has laid down in our hearts. लेकिन क्षमता को सक्रिय करने के लिए प्रतिक्रिया जरूरी है। Son of man, you don't look at the dry bones and think that they cannot come to life. मनुष्य के पुत्र, इस सूखी हड्डियों को देखकर ये ना आप सोच कि इनमें जीवन नहीं आ सकता। But because I will activate a process. लेकिन मैं एक प्रक्रिया को शुरू करूंगा। The process of spoken words of faith. ऐसी प्रक्रिया जो विश्वास द्वारा बोली जाएंगी इस हड्डियों पर। When you start speaking. जब तू बोलना शुरू करेगा। When you start speaking to the bones. जब तू बोलना शुरू करेगा इन हड्डियों से। When you start speaking to the wind. और हवाओं से। The dry bones will become an army. ये सूखी हड्डियां एक सेना बन जाएंगी। Without process, potential stays dormant. बिना प्रक्रिया के आपकी क्षमता निष्क्रिय होती है। Without process, potential stays dormant. बिना प्रक्रिया के क्षमता निष्क्रिय होती है। Unless a
unless a grain of seed falls down and dies. जब तक एक गेहूं का दाना जमीन में गिर के मरे ना. We read that in John chapter 12 verse number 24. हम यहूना 22:12 और उसके 24 में पढ़ते हैं. Most assuredly. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ. I say to you. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ. Unless a grain of wheat falls into the ground and dies. जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिर कर मर ना जाए. It remains alone. तब तक वो अकेला ही रहता है. But if it dies. परंतु यदि यह मर जाता है. It produces much grain. तो बहुत फल देता है. It's just a seed. वो सिर्फ एक बीज है. But when it goes through the process, लेकिन जब वो प्रक्रिया से होके गुजरता है, it becomes a harvest. वो एक कटनी बन जाता है. Your potential stays potential. आपकी क्षमता एक क्षमता ही रह जाती है. Till it goes through the process, जब तक वो प्रक्रिया से होके नहीं गुजरती. When it goes through the process, जब वो प्रक्रिया से होके गुजरती है, it becomes a harvest for your life. वो एक कटनी बन जाती है आपके जीवन के लिए. In Genesis chapter 41, verse number 41. उत्पत्ति 41 और उसके 41 में हम पढ़ते हैं. We see about Joseph here. यहाँ पे हम यूसुफ के बारे में देखते हैं. Pharaoh said to Joseph. फरौन ने यूसुफ से कहा. I hereby put you in charge of the entire land of Egypt. मैं तुम्हें समस्त मिश्र देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूँ. God made Joseph to rule over Egypt. परमेश्वर ने यूसुफ की रचना की थी कि वो मिश्र देश पर राज करे. But it all started in Genesis chapter 37 verse number 5. और उसकी शुरुआत उत्पत्ति 37 और उसके 5वें वचन में होती है. And it says, one night Joseph had a dream. एक बार यूसुफ ने एक स्वप्न देखा. One night Joseph had a dream. एक बार यूसुफ ने एक स्वप्न देखा. God showed a glimpse of the potential that God had laid down in Joseph's life. परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में जो क्षमता रखी थी उसकी झलक परमेश्वर उसको यहाँ दिखाते हैं. Yes, the dream was not so clear. हाँ, वो स्वप्न बहुत ही क्लियर नहीं था. His brothers hated him for the potential that God laid down in his heart. उसके भाई उसे घृणा करते थे इस बात के लिए क्योंकि उसके अंदर क्षमता थी. He was supposed to rule the whole Egyptian empire. वो मिश्र देश पर राज करने वाला था. Yes, his father, even though he feared God, he loved his son. उसका पिता वो अपने पुत्र से प्रेम करता था, वो परमेश्वर से भी डरता था. But he really couldn't grasp what God was doing with Joseph. लेकिन वो उस चीज को समझ नहीं पाया कि यूसुफ के साथ परमेश्वर क्या कर रहे हैं. But in all these things, लेकिन इन सारी चीजों में, the master designer, यूसुफ को बनाने वाला परमेश्वर ये जानता था, the purpose of Joseph's life, कि जो यूसुफ के जीवन का उद्देश्य क्या था. And he laid down the potential that was required to fulfill that purpose. और उसने उस क्षमता को यूसुफ के अंदर डाला था जिसकी जरूरत थी उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए. That yes, one day Joseph will lead a nation. हाँ, एक दिन यूसुफ एक देश की अगुवाई करेगा. It is one thing to lead a nation in good times. अच्छे समय में किसी देश की किसी राज्य की अगुवाई करना एक चीज है. But Joseph had a potential to lead an empire during a famine. लेकिन यूसुफ के अंदर ये क्षमता थी कि वो अकाल के समय में किसी राष्ट्र की अगुवाई करे. Many times we look at Joseph's life and we see how he lived in a purity. बहुत बार हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं और हम देखते हैं कि किस शुद्धता से यूसुफ ने अपने जीवन को लिया है. Which is so true. जो कि बहुत सत्य है. But along with that, लेकिन उसके साथ, I also admire the leader he is. मैं इस चीज को निहारता हूँ कि वो कैसा अगुआ है. It took a process of 13 years. 13 साल की प्रक्रिया लगी इसमें. Before the potential he had. इससे पहले कि उसके अंदर जो क्षमता थी. To lead an empire. एक राष्ट्र को राष्ट्र पर राज करने का could come into existence. वो सत्य हो. Many times we know the potential we have. बहुत बार हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या क्षमता है. We understand the purpose for which the potential is given. हम उस उद्देश्य को भी जानते हैं जिसके लिए हमें क्षमता दी हुई है. But are we ready to go through the process? लेकिन क्या हम तैयार हैं उस प्रक्रिया से होके गुजरने के लिए? So that we can live up to the potential that God has laid down in our hearts. ताकि हम उस क्षमता को रह पाए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में डाला है. Another example in the Bible is David. बाइबल में एक और उदाहरण है जिसका जो दाऊद है. First Samuel chapter 16 verse number 13. पहला सामुएल 16 और उसका 13वां वचन. So as David stood there among his brothers. जब अपने भाइयों के मध्य में दाऊद खड़ा रहा. Samuel took the flask of olive oil he had brought and anointed David with oil. तब सैमुएल ने कुप्पी का तेल लिया और उसे अभिषिक्त किया. Prophet Samuel was in Jesse's house. यहाँ पे जो शमूएल है वो यीशु के घर पे था. For God had told him that the next king will come from his house. क्योंकि शमूएल को परमेश्वर ने बोला था कि अगला राजा इस घर से होगा. Jesse had sons who were serving in the army. यीशु के पास पुत्र थे जो कि आर्मी में थे. And he had a son who didn't look like a king. लेकिन उसके पास एक ऐसा पुत्र भी था जो राजा की तरह दिखता नहीं था. He was the forgotten son. वो भूल गया
वो ऐसा पुत्र था जिसको भुला दिया गया था। He was just a boy. वो सिर्फ एक लड़का था। He was just a kid. सिर्फ एक बच्चा था। But God saw a king in that kid. लेकिन परमेश्वर उस बच्चे में एक राजा को देखते हैं। And that was King David. और वो राजा दाऊद था। Don't see yourself from the lens of people around you. आप अपने आप को अपने आसपास के लोगों के नजरिए से ना देखें। Don't see yourself from the lens of people around you. आप अपने आप को लोगों के नजरियों से ना देखें। Ask the designer about your design. लेकिन अपने बनाने वाले से पूछे कि उसने आपकी रचना क्यों की है। Ask the designer about your design. अपने बनाने वाले से पूछे कि उसने आपकी रचना क्यों की है। For everybody else, he was just a boy. सबके लिए वो सिर्फ एक बच्चा था। Who took care of his father's sheep? जो अपने अपने पिता के भेड़ों की रखवाली करता था। Who brought some lunch to his brothers? जो अपने भाइयों के लिए लंच लेके जाया करता था। But God had laid down a potential in him to be a king one day. लेकिन परमेश्वर ने उसमें क्षमता दी थी कि वो एक दिन राजा बनेगा। God is not looking at what you are doing right now. परमेश्वर उस चीज को नहीं देख रहे कि अभी आप क्या कर रहे हैं। But God is looking at the potential that he has laid down into in your heart. लेकिन परमेश्वर उस क्षमता को देख रहे हैं जो उन्होंने आपके हृदय में डाला है। And what you are going through right now. जिस चीज से होके आप अभी गुजर रहे हैं। Is just a process. वो सिर्फ एक प्रतिक्रिया है। And the same David writes. और वही दाऊद लिखता है। You saw who you created me to be before I became me. तूने मुझे जिस चीज के लिए बनाया है वो पहले ही देख लिया इससे पहले कि मैं वो बनूं। Just because you have potential doesn't mean that you can skip the process. सिर्फ आपके पास क्षमता इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रतिक्रिया से होके ना गुजरे। David, you will have to play harp for King Saul. हाँ दाऊद तुम्हें सितार बजाना पड़ेगा साउल राजा के लिए। You will have to slay the giant. हाँ तुम्हें दानों को मार गिराना होगा। You will have to be an armor bearer to King Saul. तुम साउल राजा के अंगरक्षक की रखवाली करने वाले बनोगे। Run for your life. तुम्हें अपने जान बचाकर भागना पड़ेगा। You will have to experience cave life. तुम्हें गुफाओं में जीवन बिताना होगा। David, just because you have to live like a fugitive. तुम्हें एक भगोड़े की तरह रहना है बस इसलिए। Doesn't mean that you don't have potential in you. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है। David, I'm just taking you through this process. मैं सिर्फ तुम्हें इस प्रतिक्रिया से होकर गुजार रहा हूं। So that you can become what I have designed you to become. ताकि तुम वो बनो जिसके लिए मैंने तुम्हारी रचना की है। Even for David, it was a process of more than 13 years. इस दाऊद के लिए भी 13 साल की प्रतिक्रिया थी। Don't quit in the process. प्रतिक्रिया में हार न माने। Don't quit in the process. प्रतिक्रिया में हार न माने। Without process, potential can never be realized. क्योंकि प्रतिक्रिया के बिना कभी भी अपने क्षमता को पहचान नहीं पाएंगे। There is a uniqueness about what God has laid in your hearts. एक विशिष्टता है उस चीज में जो परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है। There is a uniqueness about the potential that God has laid down in your hearts. जो क्षमता परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है वो विशिष्ट है। And God takes you through a process. और परमेश्वर आपको प्रतिक्रिया से होके गुजारते हैं। To activate that potential that is already in you. ताकि वो क्षमता जो आपके अंदर है वो सक्रिय हो जाए। I'll come to my third point. मैं अपने तीसरे बिंदु में आऊंगा। Power of your potential. आपकी क्षमता की सामर्थ्य। We'll come back to the first scripture we read. हम उस पहले वचन में आएंगे जो हमने पढ़ा था। Matthew 13:32. मत्ती 13 और उसका 32। Although the smallest of all the seeds. राई का बीज तो सब बीजों से छोटा होता है। It eventually grows into the greatest of garden plants. परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है। Becoming a tree for birds to come and build their nest in its branches. और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। A small seed, एक छोटा राई का दाना। But it has the power to become the greatest of garden plants. लेकिन उसके पास क्षमता है कि वो सब पौधों से बड़ा हो जाए। And it becomes a blessing for the birds of the sky. और आकाश के पक्षियों के लिए आशीष का कारण बने। The power in your potential is this, that you can be a blessing to many others. आपकी क्षमता में ये ताकत है कि आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। When you go through the process, जब आप प्रतिक्रिया से होके गुजरते हैं। When you have identified your potential, जब आपने पहचान लिया है कि आपकी क्षमता क्या है। And you agree with God in what God is saying about you, और आप परमेश्वर से सहमत होते हैं जो परमेश्वर आपको आपके बारे में बता रहे हैं। God starts to make you a blessing for many others. परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाते हैं। Potential doesn't even look like potential to begin with. शुरुआत में क्षमता तो क्षमता की तरह लगता ही नहीं है। A mustard seed and a mustard plant don't look alike. एक राई का बीज और एक राई का पौधा एक जैसा नहीं लगता। Apple seed and an apple tree doesn't look alike. सेब का बीज और सेब का पेड़ एक जैसा नहीं लगता। But there is great potential in the seed. लेकिन उस बीज में क्षमता है। God said to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, I will make you into a great nation. मैं तुझसे बड़ा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। I will bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा। And make you famous.
और तेरे नाम को महान बनाऊंगा। And you will be a blessing to others. कि तू मानव जाति के लिए आशीष का कारण होगा। This is what God is telling Abraham. अब्राहम को परमेश्वर ऐसा कहते हैं। I have put the potential in you. कि मैंने तेरे अंदर वो क्षमता डाली है। And the purpose is that you can be a blessing to many others. और उद्देश्य ये है कि तू बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा। God could see what Abraham could be. परमेश्वर देख सकते हैं कि अब्राहम क्या बन सकता है। God could see what Abraham could be. परमेश्वर यह देख सकते हैं कि अब्राहम क्या बन सकता है। God can see what you can be. परमेश्वर ये देख सकते कि आप क्या बन सकते हैं। The same God can see what I can become. वही परमेश्वर ये देख सकते कि मैं क्या बन सकता हूँ। We are like the grain of mustard seeds. हम उस राई के छोटे दाने के समान हैं। Which can grow into biggest, tallest, and greatest trees. जो सबसे बड़े पेड़ के पेड़ में तब्दील हो सकता है। And it becomes a blessing to many people. और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। It becomes a blessing to many people. बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण हो सकता है। Though you are little, हो सकता है आप बहुत छोटे हैं। You will become a thousand. आप हजारों में बढ़ेंगे। And a mighty nation. और बहुत बड़ा राष्ट्र निकलेगा। You may be little or small. हो सकता है आप छोटे हो। But you have the potential to become great. लेकिन आपके अंदर क्षमता है कि आप महान बने। Abraham, don't look at what you are seeing right now. अब्राहम, अभी जो तुम्हारे पास है उस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित मत करो। I have put the potential in you. मैंने तुम्हारे अंदर क्षमता डाली है। To become a great nation. कि तुम एक बड़ा राष्ट्र, तुमसे एक बड़ा राष्ट्र उत्पन्न होगा। And the purpose is that through you I can bless others. और उद्देश्य है कि तुम्हारे द्वारा मैं बहुतों को आशीष दूंगा। Whenever we buy a product, जब भी हम किसी पदार्थ को खरीदते हैं, it comes with a warranty guarantee agreement. उसमें एक गारंटी होता है। This agreement requires, और अगर आपको गारंटी चाहिए, the owner of the product be subjected to the conditions, specifications, and operational standards. तो हमें उस पदार्थ को बिल्कुल उस तरीके से यूज़ कर, उस बिल्कुल उस तरीके से इस्तेमाल करना होगा जैसा उसका उत्पादक उसके लिए बताता है। So if the manufacturer has made a product, it comes with some terms and conditions, and on how to use it, how to take care of it, all these conditions has to be fulfilled by the buyer. तो यदि उत्पादक किसी पदार्थ को बनाता है, तो उसके साथ बहुत सारी शर्तें आती हैं और खरीदने वाले उन सारे शर्तों को पूरा करना चाहिए। Violation of the manufacturer's conditions, यदि हम उन शर्तों का उल्लंघन करते हैं, and standards cancels the warranty guarantee relationship, तो हमें वो गारंटी नहीं मिलती। So if we buy a product, we have to follow the instruction manual that comes with it. तो अगर हम यदि कोई पदार्थ खरीदते हैं तो उसके मैनुअल में जो चीजें लिखी हुई हैं हमें उसके अनुसार चलना होता है। So if we do anything else other than what the manual says, then we are breaking that agreement and we lose the contract. तो जो मैनुअल में लिखा है उसके अलावा यदि हम कुछ करते हैं तो हम उस एग्रीमेंट को तोड़ देते हैं। The same relationship exists between humanity and God. यही रिश्ता हमारे और परमेश्वर के बीच में होता है। God guarantees the maximum performance of your potential. परमेश्वर ये गारंटी देते हैं कि हम अपनी क्षमता की उत्तमता में कार्य करेंगे। If we remain related to Him. लेकिन यदि हम परमेश्वर से जुड़े रहे तो and submit to the conditions and specifications and standards set by God. और परमेश्वर ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, परमेश्वर ने जो शर्तें रखी हैं, यदि हम उनको पूरा करें तो a personal relationship with our creator परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध is a key to understanding कुंजी है ये समझने के लिए the uniqueness of our potential कि हमारे क्षमता की विशिष्टता क्या है and for living to our full potential और हम अपने क्षमता की उत्तमता तक रह पाए। Many times we face challenges in this world. बहुत बार हम चुनौतियों का सामना करते हैं इस दुनिया में। We tend to forget what is the potential in us. हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर की क्षमता क्या है। Or many times we have given up so quickly. और बहुत बार बहुत जल्दी हम हार मान लेते हैं। 2 Kings chapter 13 verse number 18. दूसरा राजा 13 और उसका 18वां वचन। Then Elijah said, "Now pick up the other arrows and strike them against the ground." So the king picked up and struck the ground 3 times. एलाइशा ने पुनः आदेश दिया, एक और तीर लो। राजा ने तीर लिया। एलाइशा ने इज़राइल प्रदेश के राजा को यह आदेश दिया, इससे भूमि पर प्रहार करो। राजा ने भूमि पर 3 बार प्रहार किया और तब वह रुक गया। But the man of God was angry with him. You should have struck the ground 5 or 6 times, he exclaimed. Then you would have beaten Aram until it was entirely destroyed. Now you will be victorious only 3 times. परमेश्वर के जन एलिशा उससे नाराज हुए। उन्होंने कहा, तुम 5-6 बार भूमि पर प्रहार करना चाहिए था, पर तुम सीरियाई सेना का पूर्ण संहार करते, परंतु अब तुम सीरियाई सेना का 3 बार ही संहार करोगे। This is what Elijah is saying. एलिजा ऐसा कह रहा है। You had it in you to completely defeat Aram. कि पूरी तरीके से सीरियाई सेना को हराना तुम्हारे हाथों में था। But you gave in too quickly. लेकिन तुमने बहुत जल्दी हार
it was not that you were incapable of doing that. ऐसा नहीं है कि तुम क्षमता नहीं थी करने की. But it was just that you gave in too quickly. लेकिन बस ऐसा हुआ कि तुमने बहुत जल्दी हार मान ली. Bible tells us a story of Peter trying to catch fish throughout the whole night. Bible हमें पत्रस की कहानी बताती है जहाँ पे पत्रस रात भर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था. Peter tried the whole night and he caught nothing. पीटर ने पूरी रात कोशिश की लेकिन उसे कुछ नहीं मिला. But I'm glad that Peter didn't give up in the middle of the night. लेकिन मैं खुश हूँ कि पतरस ने रात में ही हार नहीं मान ली. Saying there is no fish, let's go back home. कि मछली नहीं है, चलो हम वापस घर चलते हैं. We'll come back tomorrow night to catch some fish. हम कल रात में आएंगे और फिर से कुछ मछलियाँ पकड़ेंगे. I believe he kept throwing the net. He kept believing that I can catch some fish tonight. वो जाल को फेंकता गया और वो विश्वास करता गया कि वो कुछ मछली को पकड़ पाएगा रात में. But Bible tells us that he caught absolutely nothing. लेकिन बाइबल हमें बताती है कि उसे कुछ भी नहीं मिला. And in the morning, Jesus was on the shore. और सुबह में किनारे पर यीशु थे. Jesus said. यीशु ने कहा. Peter, go into the deep. And put down your net. कि पत्रस गहराई में जाओ और अपने जाल को फेंको. And this is what Peter said. और पत्रस ने ऐसा कहा. We had worked hard all night. कि हमने पूरी रात कड़ी मेहनत की. We worked really hard to catch a fish the whole night. हमने बहुत मेहनत की पूरी रात मछली पकड़ने के But लिए. But we didn't catch a thing. लेकिन हमें कुछ ना मिला. I thought I don't have it in me to do what I thought I'm good at doing. जो चीज मुझे लगता कि मैं अच्छे से करता हूँ, मैं तो हार मान चुका था कि नहीं, मैं उस चीज में अच्छा ही नहीं हूँ. But if you say, Lord. लेकिन यदि आप कहते हैं प्रभु. But Jesus, if you are telling me to do. यीशु, यदि आप मुझे करते हैं, कहते हैं ऐसा करने के लिए. If you are telling me, Lord, that there is still potential to catch fish. आप मुझे ऐसा कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे अंदर क्षमता है मछली पकड़ने के लिए. To catch fish even in the morning hours. इस सुबह के समय में भी मैं मछली को पकड़ सकता हूँ. I will put down the net. मैं अपने जाल को फेंकूंगा. And he saw the miracle of fishes. और उसने मछलियों के चमत्कार को देखा. I don't know what God is telling you to do. मैं नहीं जानता परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं करने के लिए. There may be something that you have tried for so many times. हो सकता है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने बहुत बार ट्राई किया. There may be something that is burning in your heart. You know it that there is something that I have to do, but you are so afraid that I may fail again. हो सकता है कुछ है जो आपके हित में धधक रहा है, लेकिन आपके अंदर ये डर है कि मैं फिर से हार न जाऊं. We have to say like Peter. हमें पतरस के समान कहना है. That Jesus, if you are telling that there is still potential in me. कि यीशु, यदि आप कहते हैं कि अभी भी मेरे अंदर क्षमता है. Then I will do what you tell me to do. तो मैं वो करूंगा जो आप मुझे करने को कह रहे हैं. Potential may not look like potential. क्षमता क्षमता के समान नहीं दिख सकता. When it all begins. जब शुरुआत होता है. This is what the Bible says. बाइबल हमें बताती है. God chose things despised by the world. जिस चीज को इस दुनिया ने तुच्छ जाना. Things counted as nothing at all. ऐसी चीजें जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. Because God saw the potential in them. क्योंकि परमेश्वर ने उनके अंदर क्षमता को देखा. Your children have the potential. आपके बच्चों के अंदर क्षमता है. Your spouse has the potential. आपके जीवन साथी के अंदर क्षमता है. Your business still has the potential. आपके व्यापार में अभी भी क्षमता है. We should not give up. आपको हार नहीं मानना है. It has power. उसमें सामर्थ है. To give, to become a blessing for many others. कि वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बने. We are a designer's masterpiece. हम परमेश्वर के बनाए हुए जन हैं. It doesn't matter what people say. इससे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहें. What matters is what the designer says. जो बनाने वाला कहता है वो माने रखता है. We are the designer's masterpiece. हम परमेश्वर के बनाए हुए जन हैं. It doesn't matter what people say. इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं. What matters is what our designer इससे फर्क पड़ता है कि हमारा बनाने वाला क्या कह रहा है. He is the one who sees a king in a kid. वही है वो जो एक बच्चे में एक राजा को देखता है. He is the one who sees an army in dry bones. वही है वो जो सूखी हड्डियों में एक सेना को देखता है. He is the one who sees a Paul in the Saul. यही है वो जो सॉल में पौलुस को देखता है. He is the one who sees a prophet in a terrified boy. यही है वो जो एक डरे हुए बच्चे में एक भविष्यद्वक्ता को देखता है. Psalms 139 verse 16. भजन संगीता 149 और उसका 16वां वचन. You saw who you created me to be. तुमने उस चीज को देखा जिसके लिए तुमने मुझे बनाया है. Before I became me. इससे पहले कि मैं वो बनूं. You saw who you created me to be. जिस चीज के लिए तुमने मेरी रचना की है उसको तुमने मेरे अंदर पहले ही देखा. Before I became me. इससे पहले कि मैं वो बनूं. He saw the potential in you. उसने आपके अंदर क्षमता को देखा. Because he had laid down that potential. क्योंकि उसने ही उस क्षमता को आपके हृदय में डाला. He knows what you are going through. वो जानता है कि आप किस चीज से होके गुजर रहे हैं. All things will bring forth God's glory.
हर एक चीज परमेश्वर के महिमा को लेकर There is a uniqueness about you. आपके बारे में कुछ विशिष्ट है. There is a process that God is taking you and me through. आपको और मुझे परमेश्वर एक प्रक्रिया से होके गुजार रहे हैं. So that the power of your potential can be released. ताकि आपकी क्षमता के सामर्थ्य सक्रिय हो. So that you can be a blessing to many others. ताकि आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बने. I don't know what is your challenge. मैं नहीं जानता कि आपकी चुनौती क्या है. I don't know where you find yourself in this walk of life. मैं नहीं जानता कि जीवन के इस मोड़ में आप कहाँ पे हैं। I don't know what is that thing that we have tried so many times, but we may have failed miserably. मैं नहीं जानता कि वो कौन सी चीज़ है जो हमने बहुत बार करने की कोशिश की, लेकिन हम बार-बार हार गए हैं। Things may look very small. हो सकता है चीज़ें बहुत छोटी दिखें। Five breads and two fishes is too small compared to 5,000 people. पांच रोटी और दो मछलियां बहुत कम है 5,000 लोगों की तुलना में। But there was potential in it. लेकिन उसमें क्षमता थी। There was potential in it. उसमें क्षमता थी। Mustard seed looks so small. राई का दाना बहुत छोटा लगता है। But there was potential in it. लेकिन उसमें क्षमता थी। Little flour, little oil seems so small in a famine. छोटा थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा बहुत कम दिखता है उस अकाल में। But there was potential in it. लेकिन उसमें क्षमता थी। And God will take us through the process. और परमेश्वर हमें प्रक्रिया से होके गुजारेंगे। Shall we close our eyes and look unto God? आइए हम अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें। I just want to encourage you this morning. मैं आपको इस सुबह उत्साहित करना चाहता हूँ। You are handmade creation of God. आप परमेश्वर के हाथों द्वारा रचे गए सृष्टि। We are not mass produced. हम कहीं सामूहिक उत्पादन में पैदा नहीं हुए। He created us with an intention, with a purpose, and with potential to fulfill that purpose. इरादतन एक उद्देश्य के तहत बनाया है और उसने हमें क्षमता दी है कि हम उस उद्देश्य को पूरा कर पाएं। Till there is breath in your nostrils, जब तक हमारे अंदर सांस है, there is still potential in you, तब तक हमारे अंदर क्षमता। Only the dead don't have any potential, सिर्फ मृत्यु के अंदर कोई क्षमता नहीं है। Only the death doesn't have any potential, सिर्फ मृत्यु के अंदर कोई क्षमता नहीं है। If you have breath, यदि आपके पास सांस है, there is still some potential in you, आपके अंदर क्षमता भरा है, that God wants to release, जो परमेश्वर सक्रिय करना चाहते हैं, so that it can be a blessing to many others, ताकि वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। It doesn't matter what age you are in, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, you may be a newborn baby or you may be 100 years old, हो सकता है आप एक छोटे बच्चे हो या फिर 100 साल बूढ़े हो, if we are living in the land of the living, यदि आप परमेश्वर के इस धरती पे रह रहे हैं, there is still potential in you. आपके अंदर क्षमता है। And God wants to take that potential out. और परमेश्वर उस क्षमता को बाहर निकालना God चाहते हैं। God doesn't want it to stay dormant. परमेश्वर नहीं चाहते कि वो छिपा रहे। God wants to use that. परमेश्वर उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। So that it can become a blessing. ताकि वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। Don't despise the small beginnings. छोटी शुरुआत को तुच्छ न जाने। Don't despise the small beginnings. छोटी शुरुआत को तुच्छ न जाने। God can use the small things to do powerful things. परमेश्वर इन छोटी चीजों का इस्तेमाल कर सकता है सामर्थ्य चीजों को करने के लिए। He needed one David. उसे एक दाऊद की जरूरत थी। He needed one Joseph. एक यूसुफ की जरूरत थी। He needed five breads and two fishes. पांच रोटी और दो मछलियों की जरूरत थी। Whatever little we think we have. जो भी थोड़ा जो हमारे पास है, If we are ready to bring it in God's feet, यदि आप उसको परमेश्वर के चरणों में लाना चाहते हैं, God is telling, I will take you through a process. परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक प्रक्रिया से होके गुजारूंगा। I will shine you like a gold. मैं तुम्हें सोने के समान चमकाओ दूंगा। Because you are precious to me. क्योंकि तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो। Father God, this morning we thank you for what you have done in our lives. पिता परमेश्वर, इस सुबह हम धन्यवाद देते हैं उस चीज के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया। We thank you that you have made us so unique. धन्यवाद देते कि आपने हमें विशिष्ट बनाया है। You made us with a purpose and potential to fulfill that purpose. आपने हमें एक उद्देश्य के तहत बनाया और हमें क्षमता दी है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। We thank you that we are not carbon copies of something else. हम धन्यवाद देते कि हम किसी चीज की कॉपी नहीं हैं। We thank you for every potential that you have laid down in our hearts. हम धन्यवाद देते हर एक उस क्षमता के लिए जो आपने हमारे हृदय में डाला है। And we surrender ourselves at your hands. और हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। Lord, we say that you Users. हम कहते हैं कि आप हमारा इस्तेमाल करें। You are my designer. तुम आप हमारे बनाने वाले हैं। And we pray that you use this design, Lord. और हम प्रार्थना करते हैं कि We commit our lives into your hands. हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। We are tired of living a mediocre lives. हम थक गए हैं ये। We are tired of living this normal life, so Lord. हम इस सामान्य जीवन को जीते-जीते थक गए हैं। Lord, we want to live to the full potential that you have laid down in our hearts, Lord. परमेश्वर हम अपनी क्षमता की उत्तम We are of many times we are so afraid of the failures that you have
that we have faced. बहुत बार हम उस हार से डर जाते हैं जो हम जिसका हमने सामना किया है. But we surrender everything at your feet this morning. लेकिन हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु. Lord, we also pray for people who may be going through different challenges in their lives. हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों से होकर गुजर रहे हैं. We pray for every sick person, Lord. हम हर एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं. Lord, you send your word and you heal them all. हम आपके वचन को भेज के उनको चंगा करते हैं. We pray for people who are looking for job, looking for promotion, looking for their salaries to come in. हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो पदोन्नति ढूंढ रहे हैं, जो सैलरी के लिए वेट कर रहे हैं. We speak your blessing over their lives. हम आपके आशीष को उनके जीवन में बोलते हैं. Lord, we thank you for your presence at this time. धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए इस समय पर. You be with us throughout this week. आप इस पूरे सप्ताह हमारे साथ रहें. We give you glory and praise. आपको महिमा देते हैं और आदर देते हैं. And in Jesus mighty name we pray. यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं. Amen. 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 Shall we say the words of grace together? आइए हम मिलकर अनुग्रह वचन बोलें. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen.